बाबलू लास्ट के दो एपिसोड बचे हैं और इतनी मिस्ट्री छुपी हुई है इन दोनों एपिसोड्स में, मतलब 9th एंड 10th एपिसोड मास्टर ब्लास्टर होने वाला है। तो अभी ब्रेकडाउन करने वाले हैं फ्रॉम सीजन 3 एपिसोड 9 के प्रोमो और यू कैन से ट्रेलर, और इस ब्रेकडाउन वीडियो में आपको स्पॉइलर मिल सकता है, तो बाबा स्पॉइलर अलर्ट पहले से ही। बाकी एक लाइक से सपोर्ट बना के रखो ताकि मैं और डिग आउट करके बेस्ट ऑफ बेस्ट थ्योरीज आपके सामने प्रोवाइड कर सकूं। एंड यू ऑल आर वेरी लवेबल ऑडियंस, सो हेल्प मी टू रीच 10,000 सब्सक्राइबर एंड ऑफ दिस ईयर। बाकी शुरू करते हैं। तो बाबा प्रोमो के फर्स्ट सीन में डाइनर पर एक और मीटिंग रखी गई है जहां बॉयड सबको इन्फॉर्म कर रहा है कि फातिमा गायब हो चुकी है। तो सीधी सी बात है कि फातिमा को ढूंढने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहां बॉयड एक और स्ट्रांग वर्ड का इस्तेमाल करते नजर आ रहा है, जिस वर्ड की वजह से मॉन्स्टर क्रिएचर्स ने बॉयड को बहुत तोड़ने की कोशिश भी करी थी। एंड वी एड्रेसेस इन प्रोमो, बॉयड अगेन सेज दिस प्लेस कांट ब्रेक अस, और बॉयड फुल अग्रेसिव एंड ऑफेंडिंग मोड पर देखने को मिल रहा है, जहां आपको बॉयड के दोनों हाथ की ये मिडिल फिंगर उठते भी दिख रही होंगी और ऑब्वियसली ये मॉन्स्टर क्रिएचर्स के लिए ही होंगी। सेकेंड फोटो में टैलिस्मैन पत्थर के इंस्ट्रक्शन देते नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि जो भी लोग जंगल में ढूंढने जाएंगे फातिमा को, वो अपने साथ ये पत्थर जरूर रखना, क्योंकि यही एक हथियार है उन मॉन्स्टर क्रिएचर से लड़ने का फिलहाल में। दूसरी तरफ फातिमा को ढूंढने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो बॉयड और कैनी, बॉयड और एलिस की इस फोटो से अंदाजा लग सकता है, जो कोई प्लान तैयार कर रहे हैं। दूसरी तरफ डोना एंड लेडी पुलिस जंगल में निकल चुके हैं फातिमा को ढूंढने, क्योंकि ये दोनों लेडी काफी रफ एंड टफ हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फातिमा को ढूंढने ही निकली होंगी। दूसरी तरफ जूली एंड टेविथा भी फातिमा को ढूंढने निकली होंगी, जहां प्रोमो के इस सीन में ये आंकुई चाइल्ड उन्हें दिखता है अगेन, और वो इशारा कर रहा है टेविथा एंड जूली दोनों को अपने पीछे आने के लिए, जहां वो दोनों इसको यानी इस फ्रीकी चाइल्ड को फॉलो भी करते नजर आ रही है। जहाँ टेविथा एंड जूली इस फ्रीकी चाइल्ड को फॉलो करते करते शायद इस सेलर बेसमेंट तक पहुंच गए होंगे, और इस फोटो में टेविथा इस सेलर के आधे अंदर तक जाते नजर भी आ रही है, और इस फोटो में एल्जिन भी दिख रहा है सेलर बेसमेंट के पास, जो मे बी गया होगा, और टेविथा एंड जूली इसे फॉलो करते हुए शायद यहां तक आ गए होंगे। ये एंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आंकुई चाइल्ड मोस्ट प्रोबेबली टेविथा एंड जूली को हेल्प ही कर रहा है फातिमा को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं फातिमा के पेट में आखिर क्या पल रहा है और वो कितना घातक हो सकता है, कितना ब्रूटल एंड सैवेज हो सकता है। इसलिए शायद फ्रीकी चाइल्ड हेल्प कर रहे हैं फातिमा की लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए, ढूंढवाने के लिए। बाकी टेविथा एंड जूली दोनों उस सेलर के अंदर भी गए होंगे, बट वी ऑल नो फातिमा को अंदर हाइडिंग सेल में छुपा रखा है, जो बहुत मिस्टीरियस दरवाजे से बंद होगा, जो उन्हें वो दरवाजा नहीं मिला होगा, जो फर्स्ट टाइम एल्जिन को भी नहीं मिला था, ये हमने भी देखा, और अंदर एल्जिन शायद फातिमा का मुंह पकड़कर बैठा होगा बंद करके, और इस सीन में किमिनो वुमन कीप साइलेंस का साइन फातिमा को इसलिए कर रही होगी क्योंकि जस्ट बाहर टेविथा एंड जूली की आवाज़ फातिमा ने सुन ली होगी और वो एक्ट कर रही होगी, और वो दोनों वहाँ रोम भी कर रही होंगी बाहर जस उसके। बाकी अब बात करते हैं फातिमा के इस सीन के बारे में। बाबा फातिमा का पेट बड़ा दिखते नजर आया है, और अभी कुछ घंटों पहले तक तो फातिमा स्लिम ट्रिम थी, अचानक कुछ ही घंटों में वो बेबी इतना बड़ा कैसे हो गया? यस बाबा, कंफर्म होता है कि फातिमा के पेट में मॉन्स्टर बेबी ही है, और आपको याद होगा एपिसोड 8 में एल्जिन अपना खून लेकर भी आया है इस प्लेस में, तो मे बी वो खून फातिमा को पिलाया गया होगा, इसलिए ये मॉन्स्टर बेबी इतनी जल्दी ग्रो कर गया, मतलब टाइम से पहले फातिमा की डिलीवरी के लिए ये सिनेरियो तैयार करा गया होगा। दैट्स वाई कि एल्जिन से वो खून मंगवाया होगा किमिनो वुमन ने। अच्छा, पिछले ब्रेकडाउन वीडियो में बहुत फनी फनी कॉमेंट्स भी आए कि मॉन्स्टर स्माइली को लेकर, वो भी बाबा स्माइली ही पैदा होने वाला है फातिमा के पेट से, डेफिनेटली पक्का है। बाकी हाँ, बड़ा क्वेश्चन ये है कि स्माइली का पैदा होने के बाद कहानी इस फ्रॉम सीजन की कहाँ जाती है, फ्यूचर में, या फिर एक लूप की तरह कहानी फिर से पास्ट में पलट जाएगी और घूमकर दोबारा वहीं आ जाएंगे हम सीजन 2 में जहां पर थे, या इंटरेस्टिंग होगा देखने लायक, क्योंकि एंडिंग बहुत सॉलिड होने वाली है जिस हिसाब से ये कहानी चल रही है, सॉलिड इशारा मिल रहा है, वो देखते हैं आगे एपिसोड 9 में क्या होगा। बाकी अगेन जूली उस डंजन प्लेस में नजर आई है, और जिस हिसाब से वो चौंक रही है, लग रहा है कि पिछली बार की तरह वो इंटेंसली नहीं आई है, शायद वो इस बार धोखे से आ गई हो, मे बी इस बार रैंडल के साथ आई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि फातिमा को ढूंढते ढूंढते जूली एंड टेविथा इस डंजन प्लेस तक पहुंच गए हैं, जहां जूली ने टेविथा को पिछली बार का पूरा मंजर बताया होगा, और शायद मार्टिन के बारे में भी बताया होगा, और वो केव में जो जूली ने चीखने चिल्लाहट की आवाज़ सुनी थी, साथ में विक्टर और टेविथा की भी आवाज़ सुनी थी, तो मे बी टेविथा को यहां से कुछ जानना हो, सॉल्यूशन डिग आउट करना हो, और जूली के साथ अंदर आने की कोशिश करी होगी, लेकिन टेविथा नहीं आ पाई होगी और जूली फिर अकेली आई होगी, तो ये एंगल हो सकता है मे बी। बाकी देखते हैं एपिसोड 9 में एक्चुअली हमें क्या मिलता है यहां पर।
बाकी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस प्रोमो का विक्टर को लेकर था। विक्टर उस फारवे ट्री की को काटते नजर आ रहा है जहां बॉय इन वाइट उसे रोक भी रहा है और खुद को फॉलो करने के लिए कह रहा है। और यस, ये एंगर विक्टर का हमें समझ में आता है क्योंकि लास्ट एपिसोड जब विक्टर को याददाश्त आई तो उसने मेंशन किया था कि उस फारवे ट्री में जाने इसके बाद उसकी मॉम कभी वापस नहीं आई, यानी मिरांडा वापस नहीं आई, और शायद इसलिए गुस्से में वो इस पेड़ को काट रहा होगा। बट बॉय इन वाइट विक्टर को अपने पीछे ले जा रहा है तो मे बी कुछ सॉल्यूशन जरूर निकालेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि मिरांडा जिंदा हो और वो जहां होगी उसे क्रिएचर्स ने बंदी बनाकर रखा हो और बॉय इन वाइट उसे रास्ता दिखा रहा हो मिरांडा तक पहुंचने का। लॉट्स ऑफ थ्योरी बाबा, देखते हैं एपिसोड 9 में यहाँ पर क्या मिलता है हमको। बाकी जेड एंड हेनरी एक और बॉटल ट्री पर हमें मिलते नजर आए हैं, लेकिन ये ज़्यादा पुराना ट्री नहीं है, ऐसा लग रहा है नया ही है और जस्ट पूरा बन नहीं पाया है अभी। लेकिन इस फोटो में जेड ऐसे काम पोजीशन में खड़ा है जैसे उसे बहुत कुछ याद आया है, और यह सूत्रों से पता चला है कि जेड पिछले जन्म में क्रिस्टोफर होता है, और इसी के साथ साथ उससे भी पहले जन्म में ये इन्फॉर्मेशन भी आई है कि जेड एंड टैबिथा हस्बैंड एंड वाइफ थे इस टाउन पर जहाँ वो इमोर्टैलिटी को पाने वाला रिचुअल कम्प्लीट करने के लिए इनके बच्ची की भी बलि दी गई थी। इट्स ऑल थ्योरी एंड प्रिडिक्शन बाबा, मे बी दैट्स वाई जेड को टैबिथा की तरह आंकुई चिल्ड्रन दिखते हूं। एंड आपको याद हो तो पिछले सीजन में जेड को क्रिस्टोफर एंड जैस्पर भी दिखे थे, तो देखते हैं बाबा इस जगह आकर जेड को कुछ याद आता है या नहीं, या फिर कुछ अलग स्टोरी एंगल यहां से देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत कुछ ट्विस्टिंग पॉइंट है तो कभी भी ट्विस्ट हो सकता है। बाकी बाबा कॉलोनी हाउस में कुछ मिस्ट्री टेक प्लेस कर रही है जहां डोना और बाकी के लोग मिलकर कुछ ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट लेडी पुलिस अपनी गन के साथ थ्रेटनिंग पोजिशन पर खड़ी दिख रही है। इसी के साथ साथ इस फोटो में कैनी भी थ्रेटनिंग पोजिशन पर हमें खड़ा दिख रहा है। तो बाबा सूत्रों से ये खबर ये भी मिली है, अब वो जाने कितनी सच है कितनी नहीं, भाई वो सिनेरियो एपिसोड 9 में ही पता चलेगा। कि सारा को पता चल जाता है एलजिन ने फातिमा को छुपाया है और एलजिन से इंटरोगेशन चलती है कि वो फातिमा को कहां छुपाया है, पर एलजिन का कहना होगा कि ये सब मेरी हमारी मतलब हम सब की भलाई के लिए ही किया मैंने। तो मे बी सारा यहां अग्रेसिव होकर एलजिन को हिट करेगी, मे बी जानलेवा हमला कर सकती है धारदार हथियार से, कहां यहां तक जा रहा है कि एलजिन की आंख फोड़ देगी। लेकिन ये सब कितना सच होगा वो तो एपिसोड 9 में ही पता चलेगा, और मे बी दैट्स वाई लेडी पुलिस और कैनी इस डिफेंसिव पोज में दिख रहे हैं हमको, और लेडी पुलिस का ये इंटेंस एग्रेशन समझ में भी आ रहा है क्योंकि उसे रिसेंटली पता चला है कि सारा ने पहले 2 मर्डर कर रखे हैं। तो लेडी पुलिस का ये लुक इसके सामने वाले का फ्रीक एंड साइको जेस्चर को आइडेंटिफाई करना दिखा रहा है, बाकी देखते हैं। बाकी दैट्स ऑल द थ्योरी, सच होगी तो ठीक है वरना कोई बात नहीं, सारा सच हमें एपिसोड 9 में पता लग ही जाना है। तो बाबा दैट्स ऑल द ब्रेकडाउन फॉर एपिसोड 9 प्रोमो एंड ट्रेलर फुटेज। बाकी नेक्स्ट वीडियो टोटली थ्योरी एक्सप्लेनेशन एंड स्टोरी प्रिडिक्शन पर लाने वाला हूँ जहाँ की पॉइंट्स होने वाले हैं बॉटल ट्री का कनेक्शन, डंजन प्लेस का कनेक्शन, एंड ये टाइम ट्रेवल का क्या लोचा है, कुछ ऐसा टाइम लूप चल रहा है इस टाउन को लेकर या नहीं, वो देखते हैं। बातें करते करते कुछ जरूर हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा तो उस पर बात करेंगे आगे। बाकी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बता के जाना, आपकी तरफ से क्या थ्योरी है वो भी जरूर नीचे मेंशन करके जाना, कुछ मिस्टेकनली इधर उधर की बात हो गई हो तो जरूर करेक्ट करके जाना इफ आई एम रॉन्ग। मिलते हैं अगली वीडियो पे, यहां तक पहुंच गए हो तो उसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।